कारीगर और मजदूरों ने घेरा जिला प्रशासन। पीतल कारोबार से जुड़े सैकड़ों कारीगर और मजदूरों ने आज कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर अपनी मांग जिला प्रशासन के सामने एक विरोध प्रदर्शन के रूप में रखी। पिछले लंबे समय से पीतल नगरी के नाम से अपनी पहचान बनाई मुरादाबाद के पीतल कारोबार पर प्रदूषण का ग्रहण लग चुका है, क्योंकि पीतल गलाने वाली भट्टियों से निकलने वाले जहरीले धुएं के कारण जनपद मुरादाबाद ने इस बार देश में अपनी आमद करा दी है, जिसके चलते केंद्र और प्रदेश की सरकारों ने ऐसी हजारों भट्टियों को बंद करा दिया था। इन भट्टियों से जुड़े सैकड़ों कारीगर मजदूर एक जुलूस की शक्ल में कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंच गए और प्रदेश सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने लगे। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे इन प्रदर्शनकारियों ने कलेक्ट्रेट के मुख्य गेट पर कब्जा करते हुए घंटों तक विरोध प्रदर्शन किया और जिला प्रशासन से मांग की उनकी भट्टियां दोबारा से चलने दी जाएं। इन मांगों को लेकर पीतल मजदूर यूनियन ने डीएम को एक ज्ञापन सौंपा। करीबन 2 से लेकर 1.5 लाख दस्तकारों ने पूरी हड़ताल रखी है और जिला मुख्यालय में मुख्य लोग बुलाए गए हैं। इसलिए बुलाए गए हैं कि लॉ ऑर्डर की स्थिति फेल ना हो, वरना जो 4-5 लाख दस्तकार का वो सारा आने के लिए तैयार बैठा है। तो सिर्फ इलाके वाइज जो है कि लोग एक एक नेताओं को यहाँ को बुलाया गया, जिस जिस गली के अंदर दो दो लोगों की कमेटी बनाई गई थी उनको बुलाया गया। आज हमने 10 दिन के अंदर 12 मीटिंग करने के बाद ये फैसला लिया गया और 72 घंटे बाद हमारे पार की लड़ाई के लिए सरकार के मैदान में आ चुके हैं। प्रदर्शन किया गया, किस मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया? देखिए, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि पिछले करीब 1 महीने से मुरादाबाद जनपद की जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो तो बहुत ही ख़राब स्थिति में चल रहा था। तो इसके कारण जो है वो करीब 5-6 चीज़ों पे जो है हम लोगों का जोर था। पहला ये था कि जो बड़ी इंडस्ट्रियल इकाइयाँ हैं जिनसे कि बहुत ज़्यादा प्रदूषण हवा में हो रहा है, जिसमें कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के जो मानक हैं उनको पूरा नहीं किया जा रहा है, उस संबंध में आरओ से निरीक्षण करवा करके रिपोर्ट भेजी गई थी, जिसके आधार पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बंदी आदेश निर्गत किए गए थे, उनको जो है इम्प्लीमेंट कराया गया था। इसी तरह से हम लोगों ने पराली जलाने की घटनाओं पर रोक लगा रखी है, जिसमें केवल मुरादाबाद में 9 घटनाएँ घटित हुई थी, जो कि सेटेलाइट के माध्यम से हम लोगों के पास फिगर्स आते रहते हैं, उसमें हम लोग कार्रवाई करते रहते हैं। तो आज पीतल मजदूर यूनियन ने, उनको यह आशंका थी कि चूँकि यहाँ पे बहुत छोटे छोटे उद्योग जो हैं वो इस्टेब्लिश हैं और इसमें लगभग जो है वो 50 से 60 हज़ार लोग इस काम में लगे हुए हैं, तो उन लोगों का कहना था कि चूँकि उनको यह आशंका थी कि छोटी पीतल की जो यूनिट्स हैं उनको भी जो है बंद करने की कार्रवाई प्रशासन द्वारा की जाएगी, तो इससे हमारे सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो जाएगा। तो उस संबंध में उन लोगों को इस तरह की कोई आशंका थी, तो उसके बारे में उन्होंने एक ज्ञापन देने के लिए यहाँ पे आए हुए थे। ज्ञापन ले लिया गया और उनको आश्वस्त कर दिया गया है कि हम लोग जो बहुत प्रदूषणकारी जो उद्योग हैं अभी उन पर हमारा जो है ज़्यादा ध्यान है और उनसे हम लोग उनसे अपेक्षा करते हैं कि वो जो है अपने यहाँ जो उनकी यूनिट्स वगैरह है उसमें इस तरह की तकनीक आजकल आती हैं, वो अपनी तकनीक जो है लगा लें ताकि जो वायुमंडल में उत्सर्जन है जो हानिकारक तत्वों का वो कम से कम हो।